yes गुड मॉर्निंग everyone so सो आई एम रियली सॉरी am आई एम एक्चुअली फाइव मिनट्स लेट सो वेलकम टू द सेशन और आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स बहुत सारे क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के साथ ही साथ पहले हम लोग पढ़ेंगे और फिर नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर क्या करने वाले फिर जो पुराने हमारे करंट अफेयर्स चल रहे हैं ऑलरेडी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो वेलकम टू द सेशन बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो गई है गाइज हाँ बस दो मिनट का डिले और तुम लोग जो रोज दस दस मिनट लेट आते हो वो अभी आधे घंटे बाद एक स्टूडेंट आके मेरे को बोलेगा कि मैम मैं अभी आया हूँ क्या आप पुरानी चीज़ों को रिपीट कर सकती हैं चलें तो बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन हाँ मुझे मैं देख रही थी कमेंट आप लोग का एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो पंचिंग कार्ड होता है वो आज मेरा मिस हो गया था जल्दी जल्दी में तो मैं बाहर ही रह गई थी ठीक है फिर एक भले मानव ने आकर मेरा गेट खोला तो मैं अंदर आ पाई नहीं तो आज मैं बाहर ही रह जाती हूँ बाहर से क्लास लेना पड़ता मुझे सो आई एम लेट सो आई हैव टोल्ड यू माई जेन्यून रीज़न आप लोग भी लेट आया करें तो मुझे इसी तरह से रीज़न बताएं ठीक है प्रसन्नजीत हमारे साथ है जित, जितेंद्र है दीपांशु हैं निधान है उत्कर्ष है महेश दीकू पूजा उमर विवेक और बाकी लोग का सबका नाम लिया जाएगा आ, कल क्लास नहीं हुई थी मुझे पता है कल आ, क्लास नहीं हुई थी अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार पूछ रहे हैं तो हाँ कल क्लास नहीं हुई थी कल यानी कि तेरह तारीख को क्लास नहीं हुई थी और वैसे मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि क्लास नहीं हो पाएगी ठीक है हाँ जी वट इज द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन सी ए पी ए बहुत ज्यादा वेटेज है क्योंकि आपके एमसीक्यू में तो आएगा ही आएगा करंट अफेयर्स साथ ही साथ उसी से रिलेटेड आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा है ना और बेसिकली अभी हम लोगों ने कुछ कुछ करंट अफेयर्स पढ़ा है तो उसमें से एक तो आपने सुना होगा जीएसटी कम्पन्सेशन तो आज के द हिंदु एडिटोरियल में जीएसटी कम्पन्सेशन के बारे में है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि सरकार क्योंकि जानते हैं कि मान लो कि यूपी है ठीक है तो वो जीएसटी के पहले अस्सी रुपए का रेवेन्यू करती थी लेकिन जीएसटी के बाद उनका जो शेयर निकला वो सिर्फ निकला पचास रुपए का तो तीस रुपए का तो उनका डेफिसिट हो गया मतलब तीस रुपए तो उनको नहीं मिल रहा है तो सरकार ने क्या किया केंद्र सरकार ने सेस लगा दिया है सेस का मतलब होता है कर के ऊपर कर यानी कि जितने भी सिन गुड्स हैं तो बीड़ी गुटखा तंबाकू और बीड़ी पे तो वैसे नहीं लगता सॉरी सिगरेट ये सब पे जितने भी चीजें हैं जो सिन गुड्स हैं अल्कोहल मत बोलिएगा ठीक है तो फिर ये सिन गुड्स पे उन्होंने टैक्स लगा दिया और वो जो टैक्स से कलेक्शन हुआ जो सेस से, से कलेक्शन हुआ उसी को उन्होंने सरकार में जो इतना स्टेट्स उसमें बांट दिया ताकि वो कंपनसेशन के रूप में काम आए तो ये 2017 से लेके 2022 तक का हुआ था पांच साल का लेकिन आज ही के द हिंदू में दिया हुआ है और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि वेस्ट बंगाल ने मांग की है कि तीन साल का आप ये जो जीएसटी कम्पनसेशन दे रहे हैं ना उसको तीन साल और बढ़ा दीजिए एक तो ये न्यूज हो गया फिर दूसरा न्यूज आप लोग कोई नया मोबाइल मोबाइल खरीदते हैं कुछ भी चीज खरीदते हैं तो आपको बोला जाता है कि क्या करो आ, इसका रिपेयर अगर करवाओगे है ना तो अगर तुम इसका रिपेयर करवाओगे तो हम वारंटी के अंदर नहीं लेंगे गारंटी के अंदर नहीं लेंगे तो हम लोग के पास राइट टू तो रिपेयर नहीं होता ऊपर से हम बहुत डिले भी होता है मतलब एक बार हमारा कोई सामान खराब हुआ और उसको आपको ठीक करवाना है तो वो हो गया आपके माथे का झंझट तो इसीलिए आजकल राइट टू रिपेयर करके बहुत न्यूज में आ रहा है ये आपका द हिंदू का दूसरा एडिटोरियल है इसी तरह हमारा कोशिश है कि द हिंदू के जितने एडिटोरियल है उनके टॉपिक्स एटलीस्ट हम डिस्कस कर सकें ताकि जब आप पढ़ें तो आपके भेजे में कुछ घुस सके ठीक है तो ये तो आपको पता ही है कि 77% परसेंट डिस्काउंट है अगर कोड आप यूज करते हैं साथ ही साथ ये बिल्ली है बेचारी को इंजेक्शन लग रहा है तो देखते हैं किस चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वेरी गुड मॉर्निंग अ वंडरफुल ऑडियंस आई एम हैविंग सो बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं हां बिल्कुल एम के लिए भी सही रहेगा अभी उन्नीस तारीख को एग्जाम है मुझे पता है तो सारे लोग हमारे जो प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं बहुत प्यार से बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम क्योंकि दो दिन बाद हम लोग मिले हैं ना सैटरडे को क्लास हुई फिर संडे को नहीं हुई फिर अब मंडे को भी नहीं हुई तो आज मिले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के तो देखते हैं बिल्ली बेचारी इसको किस चीज़ का इंजेक्शन लगा है कोविड का इंजेक्शन लग रहा है किस क्या लग रहा है आप लोग को क्या इसको इंजेक्शन लग रहा है वैसे डू यू लाइक कैट्स या किटन आई लाइक किटन्स हाँ जी तो देखिए इंडिया फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन लॉन्च फॉर एनिमल्स तो ओनो कोवैक्स ये जानवर के लिए वैक्सीन है देखो संडे को यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है हम अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहे हैं यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है और मतलब प्राउडली आई कैन से कि एक भी क्वेश्चन जैसा हम हमेशा बोलते हैं तुम कोई भी एग्जाम दो करंट अफेयर्स मेरी जिम्मेदारी है एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था करंट अफेयर्स में एक भी नहीं इवन अगर आप पेड में हमसे पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हम लोग जी भी पढ़ते रहते हैं है ना तो जीके का भी क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं आया जो हमारे सेशन से नहीं था इसीलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी या फिर आप अगर गैजेटेड पोस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की तैयारी रहे हैं या आप पीसीएस के साथ डिफेंस की तैयारी इंजीनियर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं आएगा कोई भी करंट अफेयर्स बचेगा ठीक है चले तो इसको ध्यान से सुनिए कि एग्रीकल्चर मंत्री हैं ठीक है ठेके? अब देखिएगा इसमें भी पेच है एग्रीकल्चर मंत्री क्यों एग्रीकल्चर मंत्री क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर मंत्री, मंत्री के अंदर आता हैज लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट होम ग्रोन कोविड वैक्सीन ओनोवैक्स ठीक है ओनोवैक्स ठीक है और ये किसने डेवलप किया है तो ये आईसीआर में एनिमल रिसोर्स सेंटर और ऑन यूनिक्स जो है तो उन्होंने डेवलप किया है ये हरियाणा में है तो इसको याद रखिएगा एनोवैक्स नेक्स्ट न्यूज है आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं क्या है आईसीआईसी बैंक ठीक है ठीक है ठीक है हम बिल्कुल इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है आईसीआईसी बैंक ने पार्टनर किया है जेस्ट मनी के साथ ताकि ये एक्सपैंड कर सके कलरलेस कार्डलेस ईएमआई कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी तो आईसीआईसीआई देखिए अब सब बैंक अपने आप को डिजिटलाइज कर रहा है बस हम लोग को ध्यान रखना है कि एचडीएफसी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया आईसीआईसीआई ने किसके साथ किया है और ये भी देखिए बहुत शॉर्ट टर्म न्यूज है ये आई एम नॉट कि ऐसा एग्जाम में आएगा लेकिन अगर वन डे एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें बहुत सारा शिफ्ट होता है तो उसमें उनके पास भी तो क्वेश्चन का वो रहता है ना शॉर्टेज तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आईसीआईसीआई IC, ने जेड मनी के साथ किया है ताकि ये ई फैसिलिटी जो आप देते हैं ई है ना उसको आप कार्डलेस कर सकें ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये न्यूज है अब आप देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का न्यूज क्या है ओके okay. तो सेकेंड एडिशन ऑफ डी डी एक्सेलेंस अवार्ड हेल्ड इन न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली में सेकेंड एडिशन हुआ है एक्सेलेंस अवार्ड इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग डी एस डी पी टॉप थर्टी डिस्ट्रिक्ट इन द एरिया बीग रिकोगनाइज फॉर देयर यूनिक प्रमोशन इन स्किल डेवलपमेंट तो यहाँ पर तीन जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उनको अवार्ड दिया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए जो टॉप डिस्ट्रिक्ट रहा राजकोट जो कि आप जानते हैं गुजरात में चाचर असम में है ठीक है और सतारा महाराष्ट्र में है इनको ये अवार्ड मिला कि ये बहुत अच्छा अपना स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए इनको अवार्ड मिला है तीन डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटिंग हो रही है ठीक है ये मीटिंग किस चीज़ की हो रही है इस पर बात हो रही है अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर तो वहाँ पर भी इसी टाइप की मीटिंग हुई थी और यहीं से बहुत लोगों को निकाला गया था और फिर नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था है ना रिप्रेजेंटेशन कम मिलने के कारण भी लोगों ने वहाँ पर रिवोल्ट किया था चलें और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया जिससे हमने कौन से वर्ड्स लिए हैं लिबर्टी फ्रेटर्निटी और एक और वर्ड क्या है जस्टिस गुड तो जस्टिस लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी हमने ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से कौन सा वर्ड लिया है ये भी बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में देखो हम तो वेलकम बैक हो गए तुम बड़ा लेट हो ठीक चले तो इक्वाडोर जापान माल्टा मोजाम्बिक स्विट्जरलैंड ये तीनों इलेक्ट हुए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि दस मेंबर आपके नॉन परमानेंट होते हैं ठीक है और पांच मेंबर आपको पता ही है ये सब परमानेंट होते हैं तो हर दो साल पे आपके दस और मेंबर आ जाते हैं और इनमें से दस में भी देखिए पांच अलग और पांच अलग तो जैसे 2021 से लेकर 2023 अगर इनका टेन्योर है तो 2020 22 से लेकर 2024 इनका टेन्योर है यानी हर साल पांच आएंगे और पांच जाएंगे इस तरह से इनके पंद्रह मेंबर्स होते हैं अभी इंडिया भी इसमें है सारे टॉपिक्स जो आपने शाम को बताएं प्लीज डू ईच वन ऑफ अ अहम्बल रिक्वेस्ट ओके जी ठीक है ओके okay. ठीक है बढ़िया फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिल्कुल साल सही आप लोगों का बहुत बढ़िया ठीक है तो ये देखिए ये पांच और मेंबर आ गए हैं अभी इंडिया है इसका मेंबर तो इसीलिए हमारा जो है वो शुरू हो चुका है इंडिया मेंबर है तो इसलिए आपको याद रखना है कि इंडिया आयरलैंड इंडिया के साथ कौन कौन सा कंट्री इंडिया आयरलैंड केनिया मेक्सिको नॉर्वे हर एक कॉन्टिनेंट का अपना अपना कुछ कोटा होता है कि यहां से इतने कंट्री आएंगे तो ये लोग अभी नॉन परमानेंट मेंबर हैं अब पांच और आ गए हैं यानी कि दस नॉन परमानेंट मेंबर का नाम आपके सामने है बाकी पांच आपको पता ही है यूएसए यूके फ्रांस रशिया और चाइना ये आपके परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास वीटो का अधिकार भी है सिक्योरिटी काउंसिल में ठीक है कार्किनोस कार्किनोस मणिपुर सेंटर केयर इंस्टीट्यूट देखते हैं इसका क्या न्यूज है अभी सब पूछेंगे हम ठीक है अभी सब चीज पूछा जाएगा तो केरला के सीएम ने अभी अभी क्या किया है कैंसर रिसर्च सेंटर इसको खोला है कोचिन में ठीक और ये कंपनी आपका हो गया कार्किनोस हेल्थ एडवांस सेंटर तो ये डायग्नोस करेगा एनालाइज करेगा और लोगों को और बेहतर बनाएगा ये केरला के सीएम पिनाराई विजयन ने अभी अभी यहां पर कैंसर डायग्नोस सेंटर को ओपन किया है ठीक नेक्स्ट आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमन जी हैं, तो निर्मला सीतारमन जी कह रही हैं ईस 5.0 पॉइंट ओ कॉमन रिफॉर्म एजेंडा ये किसने लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन जी ने तो फॉर फाइनेंशियल ईयर थ्रू दो हजार बाईस यहां पर इनहस एस एस एंड सर्विस एक्सेलेंस ईज ये शुरू किया गया है ओवर फोर ईयर्स एडिशन कैटेलाइजिंग इंप्रूवमेंट इन अ वेराइटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक तो अब हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक क्योंकि आप जानते हैं जैसे एक बच्चा क्या है बीड़ा था अभी बीच में कुछ हाँ पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रॉफिट इंक्रीज किया है तो लेकिन अब जानते हैं आप कि पब्लिक सेक्टर बैंक में लोग लोन लेकर भूल जाते हैं ठीक है तो उसको और बेटर बनाने के लिए सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए और बैंक के लिए ईज करने के लिए हम लोगों ने इन्हांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस खोला है ठीक है ये निर्मला सीतारमन जी ने शुरू किया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर अगर आप आर्टिकल नंबर 24 जानते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 14 से कम साल के बच्चों से चाइल्ड लेबर कराना कानूनी अपराध है साथ ही साथ ये इनका फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल ड्यूटी है गार्जियन का कि वो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दिलाएं इसको हम लोगों ने 21 वन ए एड किया जिसको राइट टू फंडामेंटल एजुकेशन आर डाला गया राइट टू एजुकेशन राइट right, तो अब ये देखिए यूपीपीएसएस में ये भी कल संडे को पूछा गया है कि किस अमेंडमेंट के तहत अमेंडमेंट दो अमेंडमेंट 2002 में ठीक है 2002 में हमने क्या किया राइट टू एजुकेशन लेकर आए हम आर टी ई राइट टू एजुकेशन और इसको फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21 के ए में डाला गया 21 में राइट टू लाइफ है एजुकेशन को 21 के ए में डाला गया और ऐसे आपका फंडामेंटल राइट right है बच्चों का कि अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 क्या एक्सप्लॉयटेशन है तो दो राइट और 24 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए राइट right? या किसी भी तरह का आप किसी पे शोषण नहीं कर सकते और 24 कहता है कि बच्चे जो कि 14 साल से कम है उनको आप काम नहीं करा सकते खासकर हजार फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते और आपको यह भी याद रखना है कि ये गार्जियन का ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी है इलेवेंथ इसको भी इसी एक्ट में जोड़ा गया है कि वो अपने छह से लेकर चौदह साल के बच्चे को एजुकेशन मुहैया कराएं और ये डीपीएसपी है कि आप छह से कम साल के बच्चे को चाइल्ड केयर प्रोवाइड करें तो थोड़ा बहुत अब जी के स्टार्टिंग में देखिए ठीक है 12 जून को आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर से होता है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए ये आई यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर को शुरू किया है राइट चलें बढ़िया फिर नेक्स्ट आप देखें यहां पे क्या हो रहा है ये तो एच चश्मा लगा के आप लोग भी ऐसे मूवीज देखते हैं हाँ के भी किया है ठीक है निर्मला सीतारामन जी ठीक बहुत बढ़िया हाँ हाँ आर्टिकल नंबर 44 फोर आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा एक लौटा ऐसा स्टेट है जिसमें ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है गोवा के बाद अभी उत्तराखंड में इस पर विचार हो रही है राइट right? चले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि धर्मेंद्र प्रधान अभी हम पूछेंगे कि किसने किया है तो बोलिएगा धर्मेंद्र प्रधान अभी क्वेश्चन है इसका लॉन्चेस पॉलीवर्सिटी पॉलीवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि मिशिगन जो कि यूएस में एक जगह है तो मिशिगन यूएस बेस्ड एक आईटी सर्विस आईटी कंसल्टिंग कंपनी है इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम इन्होंने अभी अभी अनवील किया है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क तो बी क्या है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क है इसको इन्होंने शुरू किया है एकेडमिक ब्लॉकचेन और कस्टोरियम एंड पॉलीवर्सिटी यानी कि एजुकेशन मेटावर्स के लिए इसको स्टार्ट किया गया है और ये सब में अभी लॉन्च इसने किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है जहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट किया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एट द इवेंट ये दिल्ली में हुआ है तो अब हर चीज में हम लोग आई कंसल्टिंग और सर्विसेज का हेल्प ले रहे हैं मेटावर्स की दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं ठीक है एफ डी क्या है तो फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं तो अन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक सेवेंथ है भारत का रैंक सेवेंथ है भारत ने अभी सेवेंथ रैंक पर जम्प किया है ठीक है तो ये अचानक से हुआ है जम्ट वन पोजिशन टू सेवेंथ रैंक अमंग द टॉप रेसिपेंट ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो लास्ट कैलेंडर में जो हमारा था कि कितने लोग यहाँ भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब भारत में इन्वेस्ट करने वाले रैंक में हमारा रैंक है सेवेंथ इसको याद रखेंगे एनवायरनमेंट में हमारा रैंक एक कंट्री में एक है इसको भी आप याद रखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स में आप जानते हैं एक है हम लोगों ने देखा था संडे को ये क्वेश्चन भी आया है तो बाकी एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस को देखा जाता है ताकि पता चले कि कमीशन क्या पूछना चाह रहा है आपसे राइट आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है मुधोल कॉरपोरेशन बैंक जो कि बालाकोट बागलकोट कर्नाटका का ये बैंक है ठीक है तो बागलकोट कोट कर्नाटका का बैंक है आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है इसका लाइसेंस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पर्सनैलिटी है तो ये दो पर्सनैलिटी कौन है अमनदीप सिंह गिल अपॉइंट किया गया है यूएन चीफ इन्वॉय ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है तो हम यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो ग्यूटेरस ने अभी एक सीनियर इंडियन डिप्लोमैट अमनदीप सिंह को यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया है मतलब इनको अपॉइंट किया गया है कि एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल डिजिटल कोऑपरेशन तो बेसिकली ये यूपीएससी क्रैक करके एक अधिकारी होंगे और इनको क्योंकि ये डिप्लोमेट बन गए यानी आई एफ एस ऑफिसर होंगे ये बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इनको डिजिटल इंटरनेशनल डिजिटल कोऑपरेशन के लिए अभी डाला गया है ठीक मोदी जी देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि इन स्पेस अभी अभी हम लोग इसको इनोग्रेट करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और ये कहाँ पे हुआ है ये अहमदाबाद में हुआ है अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं ये भी इस सेरेमनी में प्रेजेंट थे आप लोगों ने देखा ही होगा ये आई गेस सैटरडे को ये हो रहा था लाइव राइट चले तो अहमदाबाद याद रखेंगे आप लोग Next? Yes. Next आप देख सकते हैं एन जे ये मनरेगा ऑम्बर्थसमैन ऑम्बर्थसमैन क्या होते हैं कि जो आपके ग्रीवेंसेस को खत्म करते हैं मान लीजिए कि आप अगर किसी चीज से आप अपसेट हैं या कोई पब्लिक सर्विस आपके साथ सही नहीं हुई आप यू आर नॉट सेफाइड विद द सर्विस तो आप ओम्ब्समैन के पास जाएंगे तो एन जे ओझा जो कि दो साल के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा का फुल फॉर्म है बहुत लोगों को ये भी गलत पता होता है, है ना तो यहाँ पर इनको दो साल के लिए डाला गया है ओम्ब्समैन के रूप में चले बढ़िया ओके okay. फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी यंग सी है और इवन काफ़ी एडमायरेबल है सी सीएम जो है जिनका नाम है वाई है ना आंध्र प्रदेश जी ने वाई एस सेवा योजना शुरू की है तो वाई एस जगन रेड्डी जी इन्होंने अभी एक सेवा शुरू की है वाई एस सेवा जिसमें क्या करेंगे फ्लैग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंड हार्वेस्टर्स तो यहाँ गुंतूर आंध्र प्रदेश में ये ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स को ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेट लेवल का मेगा डिस्ट्रीब्यूशन है ये ट्रैक्टर अगर आपको चाहिए आंध्र प्रदेश चले जाइए और कंबाइन हार्वेस्टर्स को इन्होंने गुंतूर जो कि आंध्र प्रदेश में है लॉन्च किया है यह क्या लग रहा है यह पृथ्वी का बेटा है है ना जिसको आप मून कहते हैं मार्स का दो बेटा है जिसको आप क्या कहते हैं डेमोस और फेबोस और बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनकी शादी नहीं हुई है तो आप बताइएगा कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास मून नहीं ओके फाइन बढ़िया नेक्स्ट तो चाइना रिलीज इज वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून चाइना कह रहा है कि धरती को हमने तबाह कर ही दिया है तो क्यों ना अब जाकर चांद पे भी तबाही मचाएं तो बेसिकली चाइना ने एक नया जोलॉजिकल मैप मून का इसको रिलीज किया है जो कि कहता है कि डिटेल इज द मोस्ट डिटेल्ड टू डेट रजिस्टरिंग इवन फाइनल डिटेल ऑफ लूनर सरफेस तो दो US. So, US ने 2020 में ऑलरेडी ऐसा मैप बनाया था लेकिन अभी बहुत बड़े ग्रेट साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन और रिसर्च एक्सप्लोरेशन के तहत चाइना ने ज्यादा डिटेल्ड मैप बना लिया है चांद का वर्ल्ड डे तो एल्बनिज्म के खिलाफ अवेयरनेस के लिए तेरह जून को एल्बेनिज्म डे सेलिब्रेट होता है यहाँ पे क्या होता है कि ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन राइट right है लोगों का कि एल्बेनिज्म के बारे में पता चल सके राइट right? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है आप लोगों ने सुना होगा कि ये क्या है एल्बेनिज्म एल्बेनिज्म का क्या मतलब होता है ठीक है हाँ तो देखिए अल्बिनिज्म का क्या मतलब होता है और हम लोग उनके उनसे जो लोग सफर कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें इस बार का न्यूज़ है अभी पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कि क्या है अल्बिनिज्म लेकिन उसके पहले आप सोच कर बताइए कि क्या होगा ठीक है क्वीन देखिए अपने पोता पोता तो नहीं होगा पड़पोता के साथ है ना पड़पोता के साथ यहाँ पे हैं क्योंकि पोता खुद है। तो खुद प्रिंस ही है ठीक है तो क्वीन बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट रेन मोनार्क मोनार्क तो क्वीन एलिजाबेथ टू जो है ओवर टू थाईलैंड किंग टू बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्ज सेकेंड लॉन्गेस्ट मोनार्क आफ्टर फ्रेंच लुइस फोर्टीन तो क्वीन अब अपना 96 सिक्स ईयर ओल्ड क्वीन प्लैटिनम जुबली मार्क कर सकी है ठीक है प्लैटिनम जो जुबली यानी कि अगर गोल्ड होता तो 50 साल होता डायमंड होता तो 60, प्लैटिनम यानी कि 70 साल का जुबली ऑफ सर्विस टू द नेशन इन्होंने अभी इसको किया है लुइस 14 इसके पहले सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम सर्व किए हैं अब क्वीन हो चुकी है ठीक है चले हाँ तुमको तो तुम वही दिख रहे होंगे है ना मेलेन डिसऑर्डर है अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि आई रिलेटेड डिजीज है एल्बेनिज्म का मतलब क्या होता है वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं अभी तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बता ही देंगे अब इनको तो आप लोग पहचानते ही हैं आर प्रज्ञानंद है ना तो आर प्रज्ञानंद ने अभी नॉर्वे चेस 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 ग्रुप ए ओपन ओपन सॉरी टूर्नामेंट जीत लिया है यंग इंडियन ग्रैंड ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंद और ये बन गए हैं विनर नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन समिट के सेवन पॉइंट फाइव पॉइंट इनको मिला है नाइन राउंड में राइट right? सोलह साल के ग्रैंड मास्टर इन्होंने अभी ये अवार्ड जीता है नेक्स्ट है एथर। क्या है एथर से रिलेटेड न्यूज अच्छा एक्सक्रोमोजोम लिंक डिजीज है एल्बनिज्म ऐसा कह रहे हैं चंचल ओके okay. देखते हैं आप लोग और बताइए जेनेटिक डिजीज है ठीक है एथर एनर्जी पार्टनर एसबीआई फॉर कस्टमर रिटेल सर्विस तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर एथर एनर्जी ये कंपनी है जिसने अभी अभी एस के साथ पार्टनरशिप किया है कि कस्टमर को विथ व्हीकल फाइनेंसिंग दे सके तो कस्टमर्स यहाँ से ई या लोन ले सके इसके लिए एथर ने क्या किया है कि एस के साथ पार्टनरशिप किया है एक इंस्टेंट लोन अगर आपको एथर से कुछ भी खरीदना है टू व्हीलर मैन्युफैक्चर है ये तो एज लो एज 9.55 परसेंट पर एनम पर आपको लोन मिल जाएगा एस से तो एस बी आई का आप जानते ही हैं कि एस बी आई का जो ई मोबाइल ऐप है उसका नाम है यूनो राइट ओके देन द नेक्स्ट न्यूज आप देख सकते हैं टेन सेट और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड है तो टेन सेट बोट स्टेक इन फ्लिपकार्ट वर्थ रुपीज टू थाउजेंड सिक्सटी करोड़ ठीक है आई से रिलेटेड है कुछ पिगमेंट कैपेंस होता है ओके okay. ठीक है देखते हैं देखते हैं और बताइए आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं जेनेटिक है कुछ लोग कह रहे हैं आई से रिलेटेड है क्या है एल्बनिजम तो यहां पे आ, दो हजार साठ करोड़ तक का स्टेक फ्लिपकार्ट का खरीदा गया है किसके द्वारा तो ये चाइनीज टेक्नोलॉजी कॉग्लोमेरेट है यानी कि बहुत सारे कंपनी का एक कॉग्लोमेरेट टेंसेट और टेंसेट ने अभी अभी इसको खरीदा है जो कि यूएस डॉलर टू हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर मिलियन का है टू हंड्रेड करोड़ ये फ्लिपकार्ट जो कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है बेनी बंसल तो बेनी बंसल जो कि को फाउंडर है फ्लिपकार्ट के तो इनका स्टेक खरीद लिया गया ओके फाइन नेक्स्ट काफी बार एक ही न्यूज मैंने रिपीट कर दिया अब निर्मला सीतारमन जी इन्होंने इनोग्रेट किया है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी इन गोवा ठीक है तो नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी इन गोवा रिलीज किया गया है ठीक है धरोहर धरोहर इसका नाम है और ये गोवा में आज़ादी का अमृत महोत्सव आप जानते हैं कि हम लोग मना रहे हैं 6 जून से 12 जून तक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको अभी अभी सेलिब्रेट करते हुए ये यहाँ पर बनाया गया है टू स्टोरिंग ब्लू बिल्डिंग है ये जो कि पहले एल एंडेगा के नाम से जानी जाती थी जब पोर्टुगीज रूल था गोवा में और अब ये कहाँ पे है गोवा जो कि मांडोवी नदी के किनारे है पंजी में साथ ही साथ अगर आप जी के थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा आए पोर्तुगीज फिर 1502 में ये वापस आए ठीक है और ये कभी गवर्नर नहीं बने अल्मेडा जो है जो सेकेंड पर्सन आए वो बने आपके गवर्नर जो कि पोर्तुगीज एम्पायर इन गोवा इन इंडिया के गवर्नर बने लेकिन असली फाउंडर एल्बुकर को माना जाता है क्योंकि 1510 में एल्बुकर ने बीजापुर के राजा से गोवा को जीत लिया था और उसके बाद 1530 में नीनो डी कुन्हा ने गोवा को कैपिटल बनाया था पूरे अपने अंपायर का तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए किसने जीता था रियल फाउंडर कौन थे एल्फेंसो डी एल्बुकर राइट ओके okay. टे जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल तो अभी अभी क्या हुआ है कि अडॉप्ट किया गया है रिजोल्यूशन ऑन मल्टी लिंग्वेजमेंशन हिंदी लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम तो जनरल असेंबली ने अभी अभी इंडिया का इंडिया क्या चाहता है कि हिंदी को भी डाला जा सके वहां पे लैंग्वेजेस में जो छह लैंग्वेज ऑलरेडी है तो यहां पर हिंदी को पहली बार मेंशन किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम कि मल्टी पे ये बात करेंगे और ये बोल रहे हैं कि जो भी मैसेज और कम्युनिकेशन है वो ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें से हिंदी भी एक रहेगा इसमें डाला जाएगा और इसमें बंगला और उर्दू ये दोनों को भी फर्स्ट टाइम डाला गया तो तीन लैंग्वेजेस जो कि नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज है छह लैंग्वेज ऑफिशियल आप जानते हैं जिसमें चाइनीज है अरबिक है फ्रेंच है इंग्लिश है, है है ना तो तीन जो नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हिंदी बंगला उर्दू तो सारे जितने भी कम्युनिकेशन है और मैसेजेस हैं यूएन जनरल असेंबली द्वारा वो इन तीनों लैंग्वेज में भी डाले गए हैं ठीक है फिनो पेमेंट बैंक फिनो पेमेंट बैंक का न्यूज़ क्या है तो फिनो पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेट कर लिया है गो डिजिटल के साथ फॉर शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी तो अगर आपको शॉपिंग कर रहे हैं आप उसको इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं तो गो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने अब फिनो पेमेंट बैंक के साथ फास्टर गोइंग ग्रोइंग जनरल इंश्योरेंस टू प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर तो जितने भी उनके शॉप हैं ठीक है तो जितने भी उनके दुकान हैं उसका इंश्योरेंस करने के लिए यहां पे वो जा सकते हैं गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस और फिनो पेमेंट बैंक के पास ओके नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट न्यूज है कि आरबीआई ने अभी अभी इंक्रीज कर दिया है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट फॉर कोऑपरेटिव बैंक ठीक है तो कोऑपरेटिव बैंक जो अपना लोन देते थे लोगों को उसका लिमिट आरबीआई ने बढ़ा दिया है बस सहकारी बैंक है जो कि लोगों को लोन देते थे घर बनाने के लिए तो आर ने उस लोन देने का लिमिट बढ़ा दिया है ठीक है रतन टाटा जी से रिलेटेड क्या न्यूज है तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अभी प्रेजेंट किया है ऑनरी डॉक्टरेट डौर, टू इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा तो ऑनरिल ऑनरी ऑनरी आप लोग भी अगर कोई वर्ड ऐसे मिसप्रनाउंस करते हैं तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए ठीक है तो ऑनरी डॉक्टरेट लिटरेचर के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अभी किसको दिया है रतन टाटा जी को दिया है गवर्नर कौन है भगत सिंह कोश्यारी जी राजभवन मुंबई में इन्होंने इनको ये ऑनर प्रोवाइड किया है okay. ओके फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू का ये ट्वेल्थ कॉन्फ्रेंस है देखिए ये भी थोड़ा याद रखा कीजिए कि कौन सा कॉन्फ्रेंस चल रहा है जैसे कि अभी न्यूज में आया था कि बिम्स्टेक तो पूछा गया कि इसका कौन सा संस्करण है जैसे अब हम इंडस इंदस, इंदस वाटर ट्रीटी पे बात करें पाकिस्तान के तो वो एक एडिशन है तो आपको संस्करण थोड़ा बहुत एडिशन नंबर ऑफ एडिशन याद होना चाहिए राइट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वेल्थ डब्ल्यू टी कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पर जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मीटिंग हो रही है और डब्ल्यू का हेड क्वार्टर जनेवा स्विजरलैंड में है बारहवा संस्करण चल रहा है ट्रिप्स पे बात हो रही है यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बात हो रही है जिसमें फिशरीज़ है सब्सिडीज है एग्रीकल्चर है फूड सिक्योरिटी है और डब्लू द्वारा रिफॉर्म्स एंड फ्यूचर प्रायोरिटीज़ पे भी बात की गई ठीक है बांग्लादेश बांग्लादेश से क्या न्यूज़ है गाइज अभी सारे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट अभी आए हैं ठीक है फोर्टी मिनट्स आफ्टर द क्लास एम्बेसडर राहफ फतिमा ने अपॉइंट किया है हैज बीन अपॉइंटेड एज यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल तो रबाब फातिमा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं बांग्लादेश की जैसे हमारे टीएस तिरुमूर्ति हैं तो ऐसे ही ये यहाँ पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं बांग्लादेश की ठीक है और इनको अभी बनाया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन क्लियर बढ़िया फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस से रिलेटेड ही बात हो रही है तो चेस से रिलेटेड बात यह है कि राहुल श्रीवास्तव भारत के सेवेंटी फोर्थ ग्रैंड मास्टर बन गए हैं बहुत सारे ग्रैंड मास्टर होते हैं तो अभी लेटेस्ट यही है ठीक है तेलंगाना के हैं राहुल श्रीवास्तव पी और ये बन गए हैं सेवेंटी फोर्थ ग्रैंड मास्टर बस इतना याद रखिएगा तो ठीक है उन्नीस साल के ही है ओके सो गई काफी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है नाउ वी कैन डू द क्वेश्चन आंसर आई थिंक ये सब कुछ आप लोग को पता चल गया है तो क्वेश्चन बनाने में कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा देर आर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन क्योंकि हमने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसके ट्वेंटी सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिराइव किए हैं और अब आप आंसर बताइए तो सबसे पहला न्यूज़ यही था इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन भी यही आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला कोविड वैक्सीन कोविड नाइन्टीन वैक्सीन जो कि जानवरों के लिए उसका नाम क्या है बिल्कुल सबको पता है बढ़िया तो ओनो कोवैक्स जो कि किस मंत्रालय के अंदर है देखो एनिमल हस्बेंड्री जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर होता है तो इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको लॉन्च किया है नौ जून को और ये क्यों किया है क्योंकि एग्रीकल्चर मंत्री हैं और एनिमल हस्बेंड्री इनके पास है ठीक है तो ये दोनों वेरिएंट के लिए जो कि आपका डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है और ये डॉग्स लायन लिपड माइस रैबिट और बिल्ली जिसका फोटो दिखाया गया है और ये किसने बनाया है हरियाणा आई ने इसको बनाया है एलिसा किट भी रहेगा इसमें ठीक है कैन कोव टू एलिसा किट ये एंटीबायोटिक डिटेक्शन है फर्स्ट बायोटेक स्टार्टअप दो तो ये किसने लॉन्च किया है ये हम लोगों ने सैटरडे को नहीं फ्राइडे को पढ़ा था तो देखते हैं आपको याद है कि नहीं कि भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो अभी अभी इनोग्रेट किया गया है मोदी जी द्वारा न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो को लॉन्च किया गया है ये ये किसके अंदर है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बीआर बीआर के अंदर ठीक है थीके? तो हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं बायोटेक में भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ड्रोन को अप्रूवल दे दिया है तो कौन सा स्टेट बन गया है जिसको पता है कि क्योंकि हमारे पहाड़ बहुत सारे हैं तो हम लोग क्या करेंगे और यहीं पे आप जानते हैं वैसे आपको याद है कि देवस्थल में सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को बनाया गया है भारत का एशिया का सबसे बड़ा है भारत का पहला है और ये उत्तराखंड देवस्थल में है और हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन पॉलिसी को अभी अभी उसके बगल वाला है क्यों उत्तराखंड के बारे में मैंने इतना कहाँ बोला क्योंकि आप कन्फ्यूज करेंगे उत्तराखंड में हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं कन्फ्यूज तो जयराम ठाकुर जी जो कि सी एम है हिमाचल प्रदेश के उन्होंने हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी डाला है और इन्होंने अभी अभी फोकस किया है कि ड्रोन एनेबल टेक्नोलॉजी और बाकी जितने भी स्टार्टअप्स हैं स्कूल ट्रेनिंग है उसमें हम ड्रोन का हेल्प ले रहे हैं और दस हजार डायरेक्ट जॉब है स्टेट में नेक्स्ट तीन साल में अगर ये ड्रोन पे काम कर रहे हैं तो स्काई एयर और टेक ईगल जैसे कंपनी के साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके पहला स्टेट बन गए हैं जो अप्रूव कर रहे हैं ड्रोन पॉलिसी को राइट चले नेक्स्ट तो सीईओ ऑफ प्रसार भारती इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है अगर आपको याद है प्रसार भारती के बारे में तो आप बताइए कौन बन गए सीईओ हम्म ठीक अच्छा बोल रहा है इश हिमाचल प्रदेश ओहो ठीक है तो मयंक कुमार अग्रवाल अगर आप बाकी लोग को एलिमिनेट करेंगे तो आपको याद होगा कि ये लोग सीईओ uh, हैं लेकिन प्रसार भारती से रिलेटेड नहीं है तो सीईओ यानी कि प्रसार भारती के सीईओ जो कि शशि शेखर वेमपति के बाद मयंक कुमार अग्रवाल यहाँ के सीईओ बने हैं प्रसार भारती फाउंड हुआ था ट्वेंटी थर्ड नवम्बर नाइनटीन हेड क्वार्टर ओबियसली न्यू दिल्ली में ठीक है चलें तो अब ये भी आप बता दीजिए कि हेड क्वार्टर ऑफ इन स्पेस कहाँ है जिसको अभी अभी मोदी जी ने लॉन्च किया है इसमें अमित शाह भी थे इस सेरेमनी में वेरी गुड सतीश भाई तो एलुमिनियम के हैं बहुत बढ़िया है। इसी तरह से आप याद रखें हाँ जी और आलोक आलोक चौधरी किसके ये भी बता दीजिए आलोक चौधरी ठीक है तो इन स्पेस को आप जानते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अहमदाबाद में मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है ठीक है और चेयरपर्सन कौन चेयरमैन कौन बनेंगे तो पवन गोयनका इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका बनेंगे जैसे एस सोमनाथ जो है वो इसरो के हैं तो स्पेस में प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर ये अहमदाबाद में बना है नेक्स्ट अभी ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सेकंड एडिशन निकला है अवार्ड्स का फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल प्लानिंग तो डी में किस स्टेट ने टॉप किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है तो वी हैव एवॉर्डेड थ्री डिस्ट्रिक्ट जो कि टॉप कर रहे हैं तो ये सेकेंड एटिक है, है चाचर असम का सेकेंड है तो यहां पर टॉप किया गया है राजकोट जो कि गुजरात में है चाचर सेकेंड और सतारा थर्ड है तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है सेकेंड एडिशन है टॉप तीस डिस्ट्रिक्ट को यहां पर एवॉर्ड किया गया है नेक्स्ट है नेटो नेटो कौन सा सिटी अभी नेटो कार्ड ये जो ऑर्गेनाइज कर रहा है विथ सिटी विल होस्ट 2022 नाटो तो ये सिटी कौन सा है मैड्रिड स्पेन ठीक है तो मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी है यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट वॉलमेर जेलेंस्की को इनवाइट किया गया है क्योंकि नाटो का अब यहाँ पे समिट हो रहा है 28 और 29 जून को ये होगा ठीक है जनरल इनके हैं जॉन याद रख सकते हो मेरकिया जॉन ऐसा पूछा नहीं जाएगा और द समिट विल बी अटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इसको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान और साउथ कोरिया भी एज पार्टनर फ्रॉम द पैसिफिक के तौर पर यहाँ पर ये आएंगे और अटेंड करेंगे ओके okay. भारत का रैंक क्या है एफ के रूप में एफ जो कि दो का अगर देखा जाए अन के अकॉर्डिंग तो भारत का रैंक था सेवेंथ ठीक है लेकिन अब भारत का रैंक क्या है फर्स्ट तो न्यूज इंपॉर्टेंट यही है कि जम्ड वन पोजिशन टू सेवेंथ ठीक है अमंग द टॉप रेसिपियंट तो यहां पर भारत जो है पिछले बार लास्ट कैलेंडर में सेवेंथ पोजिशन पे था एफडीआई में अनटैक्ट के अकॉर्डिंग और अब भारत किस पोजिशन पे तो आपको पता ही है कि भारत किस पोजिशन पे राइट ओके नेक्स्ट फियरलेस गवर्नेंस बुक ये अभी अभी ऑथर किया गया है फियरलेस गवर्नेंस बुक ये आप बताएं किसके द्वारा तो ये अभी ऑथर किया गया है किरण बेदी ने यह किताब लिखा है हाँ बिल्कुल डेनमार्क और फिनलैंड को भी डेनमार्क नहीं था ठीक है स्वीडन का जो बेसिकली पार्लियामेंट uh, है फिनलैंड का पार्लियामेंट है उसने स्वीडन को कहा था कि नेटो ज्वाइन करेंगे ठीक है ओके मैंडेटरी डेथ पेनाल्टी विच नेशन हैज एबॉलिश्ड तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी सजा होती है ना फांसी की उसको खत्म कर दिया जाएगा हाँ पहले एट था तो वही तो कह रहे हैं एक पोजिशन आगे आ गया ठीक है थिके? तो मलेशियन गवर्नमेंट ने अभी अभी डिसाइड किया है कि ये अबॉलिश करेंगे डेथ पेनाल्टी को तो मलेशिया का ये न्यूज है जो कि अब डेथ पेनाल्टी खत्म कर चुका है यात्रा सेवा स्कीम किस स्टेट ने अभी अभी कहा है कि ट्रैक्टर और बाकी जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी ने कहा है है और ये कहा के है ये के सीएम आपको पता है तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम उन्होंने कहा है कि अभी आंध्र प्रदेश में ये ट्रैक्टर और कंबाइंड हार्वेस्टर स्कीम के तहत ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अराउंड 3,800 ट्रैक्टर एंड 320 कंबाइंड हार्वेस्टर्स अवेल कराया जाएगा राइथ बड़ोसा सेंटर्स के दौर पे पॉलीवर्सिटी भारत का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स पॉलीवर्सिटी अभी किसने लॉन्च किया देखिए ये हम हम बोले थे कि पूछेंगे कि पूछेंगे कौन है मंत्री आप लोग ध्यान से सुने सुने हैं कि नहीं सुने। तो मंत्री आप जानते हैं कि ये एजुकेशन मंत्री हैं जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ए के तहत पॉलीवर्सिटी यहां पर लॉन्च किया गया है स्पेशल एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो कि 17 और 16 और 17 जून को होगा कहां पे होगा वहां के सीएम ने अपने पिताजी के नाम पे रखा है ठीक है बहुत बढ़िया हाँ तो एशियान जिसमें आप जानते हैं कि 10 कंट्रीज हैं, तो इसकी मीटिंग न्यू दिल्ली में हो रही है 16 और 17 जून को इसकी मीटिंग होगी नेक्स्ट है आरबीआई ने अभी, अभी अभी एक बैंक जिसका नाम है मुदोल कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक इसका लाइसेंस रद्द किया है कहां पे है ये बैंक स्वाति पेड बैच लेने के बाद लेकिन आप कर लीजिए ना प्रैक्टिस आठ से नौ आपने पेड बैच लिया और पूछ रहे हैं कि वाई की क्लास जरूरी है हम तो बोलेंगे देखो करंट अफेयर्स में ये बेस्ट क्लास है व्हाट आई कैन प्रोवाइड दिस इज द बेस्ट क्लास ठीक है और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के तौर पे ये नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा हाई हो जाए जो कि यूपीएससी लेवल का चला जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए जो कि आपका एकदम एल के लेवल पर चला जाए जो आपका एग्ज़ाम होता है उस हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन लाते हैं जो आ सकते हैं ठीक है तो ये बालाकोट कर्नाटका में ये बैंक है अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज कन्फ्यूज़ करो कोई बात नहीं अब आप देख सकते हैं कि किया डॉट ए ठीक है फर्स्ट एवर बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया गया है किया डॉट एआई ए आई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मेटावर्स की दुनिया में पहला बैंक जो कि भारत से खुला है उसका नाम है कियावर्स ठीक है तो ओके okay. अब आपसे पूछा जा रहा है एसबीआई फाउंडेशन विथ विच कंपनी ताकि ये आप स्कूल्स को खोल सके डिजिटल लर्निंग के लिए तो ये बेसिकली खान अकेडमी है एसबीआई ने अभी इनके साथ पार्टनरशिप किया है कि एक से लेकर दस क्लास के बच्चों को इंग्लिश हिंदी और कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ाया जा सके ठीक है और ये साउथ का है ठीक है आप जो सोच रहे हैं वो एकेडमी नहीं है तो ये एक से लेकर दस साल के बच्चों को एस ने पढ़ाने के लिए इनके साथ कोलैब किया है ओमबर्थसमैन कौन बन रहे हैं मनरेगा के अभी अभी जस्ट हम लोगों ने है कल का एक्चुअली मेरा क्लास ही नहीं था री आई एम रियली सॉरी ठीक है तो उसको आज मैंने ऐड कर दिया है कुछ भी छूटेगा नहीं संडे को क्लास नहीं हुई और मंडे को क्लास नहीं हुई कुछ भी नहीं छूटेगा सब मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर ठीक है मनरेगा के ओमब्समैन एन जे ओझाएँ आपको पता है फिर इंडिया और यूके ने अभी एक सेशन सीजन फॉर कल्चर तो इससे पूछा जा रहा है कि कौन बन जाएंगे इसके एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल तो इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर

और ये है यहां का मैस्कॉट नेक्स्ट आप बता सकते हैं क्विंटिलॉन बिजनेस मीडिया के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं तो इसके नए डायरेक्टर जो हैं उनका नाम है संजय पुगलई ओके okay. uh, जूलॉजिकल मैप मून में किसने बनाया है चाइना ने बनाया है इसको आप जानते हैं चाइना ने बनाया है फिर अभी अभी सीईओ जो कि जिनका निधन हुआ है तो आप जानते हैं कि ये सोनी के सीईओ थे एटी फोर में इनका निधन हुआ है क्रैक सी आर ई -E एट भारत का पहला फर्स्ट रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स और ये किसका है तो ये क्विंस स्वाइच आ, क्वाइन स्विच का है क्वाइन स्विच का ये क्रिप्टो इंडेक्स है भारत का पहला ठीक है लोकान्तर के सवार रिपब्लिकन एथिक ये आपका भी अभी अभी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा तो राम रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट है लोकांतर के सवार रिपब्लिकन एथिक्स को लॉन्च किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आप जान ये बात तो पता ही आपको ठीक है ओके नेक्स्ट यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर वेरियस अवार्ड तो ये अवार्ड का नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अभी हम लोग और इस पर डिटेल में बात करेंगे ठीक है ओके गगनयान एंड द फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन ये किस साल आएगा तो ये आएगा 2023 में okay? ओके चलें तो अब आपको पता है कि अगर आपको इसी तरह से स्पीड में कंसेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़ना है खासकर जी के पढ़ना है मेरे द्वारा और करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप बैचेस में आ सकते हैं जैसे ये एफ कैट टू का बैच है इसकी प्राइस काफ़ी कम हो गई है अब ये सिर्फ थर्टीन हंड्रेड सेवेंटी नाइन में है अगर आप कोड यूज़ करते हैं वाई तीन सौ बत्तीस और अगर आप डिफेंस का महा पैक लेते हैं तो उसमें आपको एफ कैट सी डी एस सी ए पी एफ़ सारे बैचेस एक साथ मिल जाएंगे कोड आपको यूज करना है वाई तीन सौ बत्तीस अगर आप इंजीनियरिंग का महापैक लेते हैं इंजीनियरिंग का महापैक लेते हैं तो ये इंजीनियरिंग के महापैक्स हैं सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के महापैक्स हैं बस आपको क्या करना है आपको इस तरह से गूगल पे जाना है गूगल पे जाते ही आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन टाइप करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में आपको इस वेबसाइट पे आना है और पढ़ना है तो बस ऑल कोर्सेज में एनरोल कर लेना है अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप गेट इंजीनियरिंग पे जाएंगे महापैक्स में जाएंगे जिसमें सारे स्टेट के ए ई जेई के साथ साथ आपको डी ट्रिपल एस बी और डी डी ए जैसे एग्जाम्स भी मिल जाएंगे अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आपका टेक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मेरे द्वारा नॉन टेक कंप्लीट हो जाएगा तो कोड हमने यहाँ पे यूज कर लिया है Y332 ठीक है तो Y332 कोड यूज करते ही आपको यहां पर 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा राइट सिमिलरली अगर आप एफ कैट की तैयारी कर रहे हैं तो थर्टीन हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन रुपीज में आप इसमें एनरोल हो सकते हैं अगर आप सी डी एस की तैयारी कर रहे हैं है ना तो आपको वो डिफेंस महापैक में मिल जाएगा ठीक है तो द कोड इज वाई तीन सौ बत्तीस और ये बैच आपको मिल जाएगा सिर्फ तीन हजार रुपए में जो कि आपका इंजीनियरिंग का महापैक है इसमें आपको सारे स्टेट के ए e और जे e मिल जाएंगे थैंक यू फॉर द सेशन जो भी ए e और जेई e पढ़ रहे हैं वो जीके के क्लास में आ जाएं अभी नौ बजे ठीक है थैंक यू